गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट डॉग ब्रीड लेके आया हूँ। चाहे आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर हो या फिर सेकंड टाइम, आप में से कोई भी इसे परचेज कर सकता है। और साथ में पपीज की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है और ये डबल कोट में है। जर्मन शेफर्ड बहुत ही फेमस और पॉपुलर डॉग्स है और ये बहुत से लोगों की फेवरेट डॉग ब्रीड है। अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे भी जर्मन शेफर्ड बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में जर्मन शेफर्ड पपीज चाहिए जो डबल कोट और हैवी बोन हो, तो आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। आप लोगों के पास काफी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप में से कोई भी इन पपीज को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर ले, तो वो सब मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मंजीत एंड यू आर वाचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मेरे चैनल पे आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूबर्स हैं, तो वो लोग इस मैसेज को वीडियो को पोज करके आराम से पढ़े और साथ में यूजर का नाम भी। दोस्तों, ये जो ट्रैप टाउन TRP लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लोगों को कुछ और भी नाम मिल सकता है। बस चेंज होंगे तो लास्ट के 3 वर्ड्स जहाँ पर TRP लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी मिल सकता है। तो ऐसे मैसेजेस को आप लोग अपने चैनल से रिमूव कर दें, ये एक स्कैम है। तो चलिए अब बात करते हैं जर्मन शेफर्ड पपीज के बारे में। दोस्तों, ये जो दोनों पपीज हैं, ये सिर्फ मेल ही अवेलेबल है, फीमेल इनमें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और मेरे पास इन पपीज की फोटोज और वीडियोस यही अवेलेबल है, इनसे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। बट पपी काफी हेल्दी और हैवी बोन है, इनकी क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हैं। और ये पपीज के साथ आप लोग इनकी मदर को तो देख ही रहे हैं, आगे मैं आप लोगों को इनके फादर की फोटोज भी दिखाऊंगा। फादर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, जर्मन शेफर्ड बहुत ही लॉयल और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, इसे फर्स्ट टाइम ओनर्स भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो जर्मन शेफर्ड ऐसे डॉग्स हैं, आप लोग इन्हें एक ही दिन में 2-3 कमांड सिखा सकते हो, ये इजीली उन्हें कैच कर लेते हैं। और अपनी इसी खूबी की वजह से ये वर्ल्ड डॉग रैंकिंग में 3rd नंबर पर आते हैं। और दोस्तों, जर्मन शेफर्ड को आप लोग अर्ली एज से ही सोशलाइज करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज ये आगे चल के अग्रेसिव हो सकते हैं, बट सिर्फ स्ट्रेंजर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं। सो गाइस, अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज के फादर हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप लोगों के मन में इसे लेकर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो उसे पहले ओनर से कॉन्टेक्ट करके जरूर क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप लोग पपीज को परचेज करें। तो दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड के अलावा और किसी भी ब्रीड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबाकर उसे ऑल पर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। अगर सबसे पहले इनकी एज के बारे में बात करें तो ये पपीज 22 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली रोहिणी से। दोस्तों, डिलीवरी आप लोगों को इन पपीज पे अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, अगर आप लोगों के लिए डायरेक्ट जाना पॉसिबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। दोस्तों, ये दोनों ही पपीज मेल हैं और ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की 20,000 रुपीज, यानी 20,000 रुपए। सो गाइज, कमेंट सेक्शन में एक बार अपने कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा। आशा करता हूं कि आज की वीडियो का आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को साथ में अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय।